मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना के तहत पहली जनवरी से 15 जनवरी तक मनाए जाने वाले टीवी मुक्त अभियान पखवाड़े का शुभारंभ मंडी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवानंद चौहान द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में किया गया। उन्होंने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री की प्रदेश को वर्ष 2021 तक क्षय रोग मुक्त करने की उद्घोषणा का ही हिस्सा है। 15 जनवरी तक चलाए जा रहे इस प्रारंभिक अभियान के तहत जिला मंडी की 9,23,796 जनसंख्या का गहन सर्वेक्षण कर एक सूक्ष्म योजना तैयार की जाएगी। इसमें 2,16,328 को संशयप्रद मानकर क्षय रोग के लक्षणों की गहनता से छानबीन की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला की 80 ग्राम पंचायतें जहां पिछले 2 वर्षों के दौरान 0 या 1 क्षय रोग का रोगी पाया गया है को संभावित क्षय रोग मुक्त पंचायतों की श्रेणी में रखा जाएगा। इन पंचायतों को 1,32,013 जनसंख्या का गहनता से निरीक्षण भी किया जाएगा। यदि इन पंचायतों में नए क्षय रोग के रोगी नहीं पाए जाते हैं तो इन्हें क्षय रोग मुक्त घोषित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को सार्थक व प्रभावी बनाने के लिए 3 स्तर पर निरीक्षण टीमों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर जिला चिकित्सा अधिकारी तथा जिला क्षय रोग अधिकारी पूरे जिले का भ्रमण करके कार्य का गहन निरीक्षण करेंगे। खंड स्तर पर संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी के अलावा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक व स्वास्थ्य शिक्षा निरीक्षक द्वारा भी ये काम किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए आयुर्वेद विभाग तथा निजी चिकित्सालयों को भी इस अभियान पखवाड़े में सम्मिलित किया जाएगा। पहले तो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि हम 2025 तक हिंदुस्तान से टीवी मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। उसके उपरांत हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने ये अनाउंसमेंट उसी मार्च में करी कि हम हिमाचल को 2021 तक टीवी मुक्त बनाएंगे। उस अभियान के तहत पूरा विभाग उनके मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद से हम लोग काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2021 तक हिमाचल प्रदेश को टीवी मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि ये अभियान टीवी मुक्त अभियान जो है अभी इसलिए चलाया गया, ये तो आपको जानकारी है कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीवी से ग्रस्त हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो जिनको टीवी की दवाइयां असर नहीं करती है और वो लोग भी काफी ज्यादा हैं। लेकिन अब जो इस बार जो चला अभियान उसके तहत विभाग जो है पूरे ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप तक इसमें रात दिन काम करने लगा है और आज से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक टीवी मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़ा 2019 हम मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हिमाचल के तमाम जिला मुख्यालयों में और सिविल हॉस्पिटल में शुरू की गई। अभी आपने जैसे देखा कि हमने नीचे जो है अपने इस पे हेडक्वार्टर पे एक टीवी एनओपी लगाया हुआ है। यहाँ पर हमारा जो टीम है एक हेल्थ वर्कर है और एक टेक्नीशियन बैठेगा 24 आवर। यहाँ हमने ड्यूटी लगा दी हुई है। हर आदमी का जो पॉपुलेशन है, वैसे तो हमने पॉपुलेशन 3 उसमें बांटी हुई है। एक तो वो पॉपुलेशन है जो बेचारे वल्नरेबल पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, जिनको जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम सर्वे कर चुके हैं। दूसरे जो ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में आते नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको सर्वे में हमने उनको कवर किया है। पर ये यहाँ पर हम तीसरी टीवी फ्री पंचायत का भी अभियान हमने चलाया हुआ है, पर यहाँ हम सभी लोगों का जो भी जरा भी अपना ये कराना चाहेगा, हम आपके माध्यम से ये हेल्प चाहते हैं कि आप लोगों में ये बात फैलाएं कि हम लोगों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे ब्लॉक में सिविल हॉस्पिटलों में ये अभियान चला रखा है। हम सब की जो है थूक की जांच मुफ्त करेंगे और उसके बाद जांच करने के बाद अगर कोई रोगी पाया जाता है तो उसको हम दवाइयां फ्री तो हम शुरू से ही दे रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया जो है बहुत ज्यादा ये है लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों से अपील करें कि इस अभियान में 1 से 15 तक को हमारा साथ दें और अपना टेस्ट कराएं, जांच बलगम की जांच जरूर कराएं।